चैप्टर पैरेलल लाइंस ऑफ क्लास 8। टू लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए करस्पोंडिंग ऑल्टरनेट एंगल होते क्या हैं? जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें कितने एंगल बनते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए फोर एंगल्स यहाँ बनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये एंगल 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्मिंग हेयर। ओके, अब हमको जानना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं। पहले एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स जो लाइन के बाहर बन रहे हैं, कौन कौन से बाहर बन रहे हैं? 1, 2, 7 एंड 8। ये चारों एंगल क्या हैं? एक्सटीरियर हैं। और इंटीरियर कौन से कहे जाएंगे? जो लाइंस के अंदर में हैं। अंदर में कौन से बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6। ओके, अब इन्हीं एंगल्स से, 8 एंगल से क्या बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट। देखिए जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको एक लाइन जो काटती है इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। और ये दो लाइन है पैरेलल LM। ऐसा नहीं है दो ही लाइन पैरेलल हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, बहुत सारी लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं। हमको जानना है सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। देखिए ऑल्टरनेट मींस ट्रांसवर्सल के एक इस साइड बनता है और एक इस साइड, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए पहला एंगल क्या है? 1 का एक्सटीरियर कहां जाएगा? 7। एकदम क्रॉस में जाता है, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल टू 7, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। और दूसरा कौन सा है? 2 इक्वल टू 8। इनकी वैल्यू एकदम बराबर होती है पैरेलल लाइंस में, 1 का 7 और 2 का 8, एकदम क्रॉस में। सेम इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो इंटीरियर में कौन सा दिख रहा है? 3। ये एंगल 3, तो इसका ऑल्टरनेट कहां दिखेगा? एक इधर और एक इधर, तो 3 इक्वल टू 5। ये आपको याद रहना चाहिए ऑल्टरनेट। और 4 का 6, ये बहुत जरूरी है पहचानना कि ये ऑल्टरनेट है या करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए ऑल्टरनेट हो गए, अब करस्पॉन्डिंग के लिए क्या करना है? फिर दो लाइन प्लेन में जाएगी, ये ट्रांसवर्सल काटेगा, फिर वही सेम एंगल बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब करस्पॉन्डिंग में क्या होता है? सेम साइड बनता है ट्रांसवर्सल का, सेम साइड, और सेम लगेगा, जैसे 1 का सेम 5। देखिए दोनों साफ दिख रहे हैं तो लिख देंगे, और ये भी आपस में बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। देखिए पेयर क्या बन रहे हैं? 1 इक्वल टू 5। अब 2 की तरह कौन सा दिखेगा? एक एक्सटीरियर में है और एक इंटीरियर, 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट 3 इक्वल टू 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू लास्ट 8। दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट ऑल्टर बनते हैं, एक एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम साइड। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अगर लाइंस पैरेलल हैं, फर्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, सेकंड करस्पॉन्डिंग। अब थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर, ये इंटीरियर चार इंटीरियर होते हैं, लेकिन को इंटीरियर मीन्स जो सेम साइड है, यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहां पर कौन से नंबर के बन रहे हैं? 4, 5, 3, 6, यानी 4 + 5 = 180 होगा, और 3 + 6 = 180 डिग्री। समझ में आया कहां पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 + 5 एक ही साइड के दोनों का सम 180, और इधर भी सम 180। यही तीन प्रॉपर्टी होती हैं पैरेलल होने के लिए। बाकी हमको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर एक लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर मीन्स लाइन पे बनने वाले दो एंगल का सम 180 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। अगर ये एंगल 40 डिग्री है
तो ये कितना होगा 140, क्योंकि एक लाइन पर बन रहा है। दूसरा होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मीन्स टू लाइंस आपस में क्रॉस करके काटती हैं, तो कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? वर्टिकली अपोजिट। और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, और जब ये 60 है तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये भी ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इसी सब को याद रखते हुए वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर पैरेलल लाइन। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट 1 इज इन द फिगर 10.9 एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू, देखिए लाइंस के नेम है स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तीन लाइन है एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, एंड पी इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज द ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 1 इक्वल टू 110 फाइंड एंगल्स एक्स वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू, ये चारों एंगल बताने हमको, वह एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ओके देखिए यही फिगर है, फिगर बनाना कंपलसरी है। ये लाइन एल एम एन और ये ट्रांसवर्सल इज पी। अब देखिए एक्स एंड 110 ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? एक लाइन पर बन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लिखेंगे एक्स प्लस, और लीनियर पेयर में क्या होता है? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, यहां से x कितना निकलेगा? 180 माइनस 110, इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां पर रीजन देना हर लाइन में कंपलसरी है, बाय यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। x निकल गया। अब x और y देखिए आपस में कैसे दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट, तो लिखेंगे x इक्वल टू y, और यहां लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइन L पैरेलल टू M, क्योंकि L और M पैरेलल हैं तो उन दोनों से क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट, एक इधर बन रहा है और एक इधर, तो देयरफॉर Y कितना हो गया? वो भी 70 डिग्री हो गया। जब X 70 है तो Y भी 70। फिर देखिए Y इक्वल टू Z, ये दोनों भी आपस में क्या है? ऑल्टरनेट। फिर लिखेंगे Y इक्वल टू Z ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस, ऐसे लिखना M एंड N, यहां लिख देंगे पैरेलल लाइंस है, देयरफॉर जेड इक्वल टू 70 डिग्री, जेड 70। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू के दो तरीके हैं, एक तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, देखिए 110 डब्ल्यू, दोनों आपस में ऑल्टरनेट हैं, या फिर लीनियर पेयर भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई, तो हम लोग क्यों ना डायरेक्ट ऑल्टरनेट कर दें, W इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन सी दो पैरेलल से बन रहे हैं? L एंड N, L एंड N। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, सारे एंगल निकल गए, X 70 डिग्री, Y 70, Z 70 और W इक्वल टू 110। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी शोन इन द फिगर 10.10 एंगल 1 एंड 2 आर 90 डिग्री, और हमको कहना है, बताना है इज एडी पैरेलल टू बीसी, क्या एडी लाइन बीसी के पैरेलल है? देन जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, देखिए एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 एंड 2 दोनों का सम क्या है? 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो लाइंस के बीच को इंटीरियर का सम 180 है, इट मींस लाइंस आर पैरेलल। लिखेंगे एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। ओके, जब सप्लीमेंट्री है देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी, जब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मार्क टू पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट, ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू AB थ्रू P एंड Q, PR एंड QS, व्हाट कैन यू से अबाउट PR एंड QS, आर दीज पैरेलल, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, वी विल
दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो ए और बी दोनों कितना लंबा साइड लाइन लेंगे? 6 सेंटीमीटर. देखिए स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर ले लिए. अब इस पर कहीं भी दो पॉइंट लेने हैं, पी एंड क्यू. तो आप कहीं भी ले सकते हैं. और दोनों पर हमको क्या बनाना है? परपेंडिकुलर. तो दो पॉइंट पहले लीजिए, पी एंड क्यू. देखिए परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या किए हैं, पहले एक पूरा आर्क काट दिए 180 डिग्री वाला और उसको बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट एंगल 180 डिग्री, वी विल गेट एंगल ऑफ 90 डिग्री. जो 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को ही हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. ऐसी दो लाइन जो आपस में 90 डिग्री पर काटे उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. देखिए एक परपेंडिकुलर बन गया, अब दूसरा फिर बना रहे हैं क्यू पर. सेम क्यू पर 90 डिग्री ही बनाना है. तो इससे बनेगी क्यू एस लाइन. देखिए अब पता है हमको कि एक सेम लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं. क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल देखिए पी और क्यू दोनों इक्वल टू 90 डिग्री हैं. पी प्लस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 4. इन द फिगर एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई. देखिए फिगर अभी बना के कॉपी में बताते हैं. एक्स और वाई फाइंड करना है हमको. अब देखिए एक्स कहाँ पर है? ये है और ये 50 डिग्री है. तो मैंने पहले ही कहा था को इंटीरियर का सम क्या होता है? 180. तो यहाँ से x निकल जाएगा और y और 30 आपस में अल्टरनेट. तो y इक्वल टू 30. देखिए लिखेंगे कैसे, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. लिख देंगे को सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर का सम 180 होता है. तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, इट इज इक्वल टू द 130 डिग्री. नेक्स्ट वाई इक्वल टू 30 डिग्री डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि वो आपस में क्या है? अल्टरनेट. इंटीरियर अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल्स. ओके हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल. शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी. सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ए बी सी डी जिसके कि चारों एंगल बराबर हैं. अब चारों एंगल बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री. ओके और एंगल वन ए इक्वल टू बी चारों बराबर हैं, बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी. अगर चारों बराबर हैं ये यहाँ पर लिख देंगे गिवन, हमको दिया हुआ है. देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री. चारों इक्वल हैं तो चारों 90 हो गए. अब हमको लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है. जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वही तरीका है. लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 प्लस 90, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर वही सम एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री. बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख देंगे. देयरफॉर अब ये दोनों 180 है तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी? एडी पैरेलल टू बीसी. देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी. फिर सेम कंडीशन, अब बी और सी को कर देते हैं सम. एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. फिर वही रीजन आएगा, एंगल बी एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री
एंगल्स. Therefore, B और C 180 है, इट मीन्स 90 इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore, AB लाइन पैरेलल टू CD. यही प्रूव करना था कि AB CD के पैरेलल है और AD पैरेलल टू BC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर 10.12, इफ BOA एंगल BAO यानी दिस एंगल इक्वल टू द DCO दिस and OC equal to OD, show that AB parallel to CD. Okay, देखिए इस फिगर में हमको क्या दिया हुआ है, एंगल BAO equal to एंगल DCO. BAO ये एंगल है और DCO ये है, लेकिन हमको ये दिया हुआ है OC equal to OD. OC equal to OD, ये दोनों चीज हमको क्या है, गिवेन. जब OC इक्वल टू OD है, देयरफॉर एंगल कौन से दोनों बराबर होंगे आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, एंगल OCD इक्वल टू एंगल ODC. इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, C इक्वल टू D. अब ये देखिए A और D आपस में कैसे हैं, दोनों अल्टरनेट दिख रहे हैं, लिखेंगे एंगल BAO इक्वल टू एंगल ओ डी सी. इसको वन इक्वेशन भी दे सकते हैं नाम, और इसको टू, और लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू. बी ए इक्वल टू ओ डी सी, फिर लिखेंगे आगे दे आर फॉर्मिंग, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट. Therefore, AB parallel to CD. जब alternate angle बराबर हो गए तो lines क्या हो जाएंगी, parallel. Next, question number 7. In the figure 10.13, angle A equal to 75 degree, CE parallel to AB. If ECD equal to 40 degree, find the other two angles of the triangle ABC. यानी हमको angle B निकालना है और ये angle निकालना है ACB. Easy है बहुत. देखिए इस फिगर में ये हमको दिया हुआ है और लाइन क्या दी है, पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी. इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये एंगल इसके बराबर होगा. क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, देयरफॉर एंगल बी कितना हो गया, 40 डिग्री. ठीक है, अब हम चाहें तो तीसरा एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ही निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका अल्टरनेट करने की जरूरत ही नहीं है, ट्राइंगल सम से ही बनाएंगे. एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ए 75, बी इज 40 डिग्री एंड एंगल सी, एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बी. ए सी बी कितना निकलेगा, 180 माइनस 115 कितना हुआ, 65 डिग्री. एंगल ए सी बी इक्वल टू 65 डिग्री, निकल गए दोनों एंगल. क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर एल पैरेलल टू एम, फाइंड एंगल एक्स वाई एंड जेड. देखिए एक्स वाई एंड जेड. ओके, देखिए इस फिगर में सबसे पहले x निकालेंगे, x इक्वल टू 110, करस्पॉन्डिंग दोनों सेम दिख रहे हैं, x इक्वल टू 110 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब z निकालना है तो लीनियर पेयर x प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक लाइन पर बन रहे हैं x एंड z, इसको कहते हैं लीनियर पेयर. यानी x 110 प्लस जेड इक्वल टू 180, जेड इक्वल टू 180 माइनस 110, इट इज इक्वल टू द 70 डिग्री. अब रह गया वाई. अब देखिए वाई का यहां पर करस्पॉन्डिंग बनेगा, या तो इसका 40 का करस्पॉन्डिंग यहां आएगा, सपोज मान लो ये एंगल ए है तो ए इक्वल टू 40 डिग्री लिख देंगे, ए यहां डालेंगे और लिखेंगे ए इक्वल टू 40 डिग्री करस्पॉन्डिंग.
और जब ए 40 है तो वाई कितना हो जाएगा, ए प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। फोर्टी डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180, देयरफॉर वाई इक्वल टू 180 माइनस 40, इट इज इक्वल टू द 140 डिग्री। तीनों एंगल निकल गए, वाई 140, जेड 70, एक्स 110। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर 10.15 शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी पैरेलल टू ई एफ, जस्टिफाई योर आंसर। ये फिगर है, हमको प्रूव करना है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के है और ए बी पैरेलल टू ई एफ। देखिए इस फिगर में एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री, हमको क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री, और बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना हुआ, 20 प्लस 20, दोनों को जोड़ेंगे तब एंगल बनेगा 40 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो गया, 40। अब ये दोनों आपस में अल्टरनेट हैं तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ये दोनों कैसे आपस में फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी। जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो पैरेलल, इसको हम 1 दे देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल एफ ई सी 160 डिग्री, डी सी ई 20, अब इन दोनों का सम कितना दिख रहा है, 180, 160 प्लस 20 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर सम होता है को इंटीरियर का तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। बस यही प्रूव करना है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। लिखेंगे कैसे, एफ ई सी इक्वल टू 160 डिग्री और दूसरा एंगल ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री। अब एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और जब सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू सी डी। अब देखिए ये सेकंड है, फ्रॉम 1 एंड 2, सिर्फ एक लाइन हमको लिखनी है फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए जरा, फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, यानी ये भी इसके पैरेलल है, ये इसके, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ। सेम लाइन के अगर पैरेलल होते हैं, ए बी पैरेलल टू ई एफ, यही प्रूव करना था। वर्कशीट 1 आपकी फिनिश्ड, ओके।